हेलो दोस्तों, स्टडी गाइड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और हम आरआरबी एनडीपी की सहायक की तैयारी कर रहे हैं एसएम के लिए। एंड सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट का ये हमारा 13 सेट है। इससे पहले हम 12 सेट डिस्कस कर चुके हैं और सबसे पहले सेट एंड फिफ्थ सेट में हमारी ट्रिक है कि हम कैसे उसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले सेट में यूनिट डिजिट की थी एंड उसके बाद उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज करके फिफ्थ सेट के अंदर हमने थोड़ा डिस्कस किया ट्रिक को। बाकी आप जो बाकी जो वीडियोस हैं वो सब प्रैक्टिस वीडियोस हैं। इसके अंदर हमारे 30 क्वेश्चन होते हैं, 8 मिनट में आपको करने होते हैं। हर एक स्लाइड के ऊपर 10 क्वेश्चन होते हैं एंड हर स्लाइड पे आपको 2 मिनट और 40 सेकंड का टाइम मिलता है, तो टोटल 8 मिनट हो जाते हैं, ठीक है। और इससे पहले यानी इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग के भी क्लासिफिकेशन टेस्ट भी चल रहे हैं अपने एंड शॉर्टेज रूट टेस्ट के भी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, काफ़ी बच्चों के तो अब 30 में से 30 भी आ रहे हैं, 30 में से 25 आ रहे, तो ट्राई करो कि 22 23 से ऊपर ही अपना स्कोर रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूव होगा। बच्चे पूछते हैं कि सर टाइम इम्प्रूव नहीं हो रहा है। अरे भाई, प्रैक्टिस करो टाइमर लगा के, तभी इम्प्रूव होगा स्कोर। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन फटाफट आपकी प्रैक्टिस, अब 30 दिन है आपके पास, अगर डेली आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहो तो स्कोर 101% इम्प्रूव करेगा, ठीक है। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए एंड आंसर सभी के नोट कर लीजिएगा, बाद में चेक करेंगे।
तो 1 से लेके 15 तक आंसर आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, एंड 16 से लेके 30 तक आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं, ठीक है। एंड आंसर चेक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। काफ़ी बच्चों के कमेंट रेगुलर अपने आते हैं, ठीक है, तो उनकी तरह आप भी कमेंट कीजिए कि कितना आपका स्कोर रहा। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट मैं टेस्ट अपडेट करूँ वो आपको सबसे पहले मिले, ठीक। और देखते हैं आज और भी वीडियोज़ डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें, लगे रहें, बस तैयारी में जुटे रहें किसी तरह, बस ओके बाय।